आज हम कटहल की सब्जी बनाएंगे इसके लिए 500 ग्राम कटहल मैंने लिया है अच्छी तरह से कट करके इसे धो लेना है पानी से और फिर इसे एक प्रेशर कुकर में डालेंगे कटहल को हमें उबालना है साथ ही कटहल में हम दो आलू भी डालेंगे बड़े साइज का आलू है तो इसे हम कट करके डालेंगे ताकि कटहल के साथ आलू अच्छे से पक जाए और अब इसमें पानी डालेंगे लगभग एक से डेढ़ गिलास पानी डालेंगे पानी उतना ही डालें जितना में कटहल और आलू अच्छे से उबल जाए एक चम्मच नमक डाल देंगे इसमें और फिर ढक्कन बंद करके दो सीटी आने तक इसे उबालेंगे मीडियम आँच पे तो जब तक कटहल उबल रहा है ना तब तक हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं तो एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें एक चम्मच डालेंगे धनिया साबुत धनिया एक चम्मच जीरा आधी छोटी चम्मच काली मिर्च एक दालचीनी का टुकड़ा एक बड़ी इलायची काली इलायची दो हरी इलायची तीन से चार लौंग डालेंगे और ये जो मसाले हैं ना इन्हें हमें एक मिनट के लिए एक से दो मिनट के लिए भुनना है इसमें हम तीन से चार सूखी लाल मिर्च भी डालेंगे और अच्छी तरह से मसालों को गर्म कर लेंगे जैसे मसाले अच्छे से गर्म हो जाएंगे इन्हें ठंडा करेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब इसे हम पीसेंगे ठंडा होने के बाद इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे और अच्छे से इन मसालों का हम पाउडर बना लेंगे जितना महीन हो सके उतना महीन आप इन्हें पीस लें अब सेम जार में हम डालेंगे इसमें दो हरी मिर्च एक इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे कट करके ताकि अच्छे से ग्राइंड हो सके और यहाँ पे 12 से पंद्रह लहसुन की कली है तीनों को अच्छे से पीस लेंगे और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्च पीस चुका है अब इसी जार के अंदर हम एक छोटा सा प्याज डालेंगे मोटे टुकड़ों में कटा हुआ और प्याज को हमें दरदरा पीसना है पेस्ट नहीं बनाएंगे एकदम से इसे हल्का दरदरा रखेंगे इधर कटहल भी बहुत अच्छे से उबल गया है और आलू भी अच्छे से उबल गया है तो इस प्रकार से चेक कर लेंगे इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से कटहल को आपको पकाना है उबालकर और आलू भी बहुत अच्छे से उबल गया है तो अब इसे हम प्रेशर कुकर से पानी से निकाल लेंगे और इसका ये जो छिलका है ना आलू का इसे भी हम छील करके हटा लेंगे और उसके बाद सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे तो सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें दो से तीन बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे तेल को गरम कर लेंगे और जैसे तेल गरम होगा इसमें कटहल डालेंगे कटहल को हमें फ्राई करना है अच्छी तरह से इसे तेल में भून लेंगे इस तरीके से कटहल को भून करके सब्ज़ी बनाएंगे ना आप सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी तेल अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप सब्ज़ी में इस्तेमाल करें कटहल के ऊपर जैसे ही हल्का ब्राउन आएगा कलर इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे तो तीन से चार मिनट लगेंगे इसे भुनने में और अब जो तेल बच गया है ना कढ़ाई में तो इसी तेल में जो आलू है इसे भी हम भून लेंगे आलू को भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा आप फ्राई कर सकते हैं और बिना फ्राई किए भी आप इस सब्जी में आलू तोड़ करके डाल सकते हैं तो आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है अब हम फिर से तेल डालेंगे सरसों तेल का ही इस्तेमाल करिएगा इस सब्जी को बनाने के लिए सरसों तेल में बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार होती है तेल को गर्म कर लेंगे और फिर इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे दो तेजपत्ता डाल देंगे तोड़कर और यहाँ पे कुछ लहसुन की कली डालेंगे लहसुन भुनेगा ना तेल में तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा सब्जी में और फिर एक प्याज डालेंगे यहाँ पर लंबे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज को अच्छी तरह से आपको भुनना है ब्राउन कलर आने तक तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं प्याज जो है बहुत अच्छे से भुन गया है अब इसमें पिसा हुआ जो प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च है ना उसे डाल देंगे और अब इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ब्राउन कलर आने तक आपको इसे भुनना है क्योंकि जितना अच्छे से आप प्याज और ये जो पेस्ट है ना इसे भुनेंगे ना उतना ही टेस्टी आपकी सब्जी बनकर तैयार होगी अब इसमें डालेंगे हम टमाटर तो यहाँ पे दो मीडियम साइज के टमाटर का मैंने इस्तेमाल किया है साथ ही नमक भी डाल देंगे तो सब्जी के हिसाब से नमक डालेंगे ध्यान रखिए कटल उबालते समय भी नमक डाला हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा नमक कम डालेंगे और अब अच्छे से ये जो टमाटर है ना इसे भून लेंगे टमाटर आप चाहें तो पीस करके भी आप इसमें डाल सकते हैं पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं इस सब्जी में अब इसमें जैसे टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होगा इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर और तैयार किया हुआ जो मसाला है ना उस मसाले में से हम ढाई चम्मच मसाला डालेंगे मसाला अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं और अच्छी तरह से इसे भुनेंगे इधर ये जो आलू है ना उबला हुआ इसे हम इस प्रकार से तोड़ लेंगे इससे ग्रेवी जो है ना सब्जी की वो गाढ़ी बनेगी अगर आलू तोड़ लेंगे तो तेल सेपरेट होने तक मसालों को आपको अच्छे से भुनना है और फिर इसमें ये जो कटल है ना भुना हुआ इसे और आलू दोनों को साथ में डाल देंगे मसालों में दो से तीन मिनट इसे अच्छी तरह से भुनेंगे मसालों के साथ और फिर इसमें पानी डालेंगे तो दो से तीन मिनट ये भुन चुका है अब इसमें पानी डालेंगे तो पानी अपने हिसाब से आप सब्ज़ी में इस्तेमाल करें जितना गाढ़ा पतला आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं सब्जी का उसी हिसाब से पानी डालें मैंने यहाँ पे डेढ़ ग्लास पानी डाला है इस सब्जी में अच्छी तरह से मिला लेंगे इसे और अब इसमें कट किया हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे एक चम्मच हम इसमें घी डालेंगे इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है सब्जी में तो आप एक चम्मच लास्ट में घी जरूर डालें इसमें मिला देंगे इसे और अब ढककर पांच मिनट इसे हम मीडियम आंच पे पका लेंगे जितना काढ़ा पतला आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप ग्रेवी रखें सब्जी की और पाँच मिनट हो चुका है और बहुत ही टेस्टी आलू कटहल की ये सब्ज़ी रेडी है बनकर आप इसे ज़रूर से ट्राई करें अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप ये जो सब्जी है ना इसे रोटी पराठा चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं पूड़ी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं